नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो पे मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 2 से लेके 12 अप्रैल तक की। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। और एक बात, एनर्जी चेंज होती रहती है, ये भी आपको पता ही होगा। और ये एक जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, रीडिंग को जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हम इसमें देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी और यूनिवर्स ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है आपके पार्टनर थोड़ा सा दुखी है, थोड़ा सा परेशान है, उनको लगता है फिलहाल के लिए इस रिश्ते से बाहर चले जाना ही सही है। जब कुछ सही हो जाएगा तब वो फिर से रिश्ते में वापस आएंगे। थोड़ी अभी उनकी जो एनर्जी है थोड़ी सैड एनर्जी उनकी है। अभी देखते हैं सिक्स ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आया है, क्यों वो दुखी है, क्यों उनको लगता है कि इस रिश्ते से थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहिए। अगर हम सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखते हैं क्या आया है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। पहले जो उनकी एनर्जी थी वो रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहते थे या फिर पहले वो रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते थे, लेकिन अभी उनको लगता है इस रिश्ते को शुरू से शुरू किया जा सकता है, रिश्ते में नई शुरुआत किया जा सकता है, क्योंकि वो रिश्ते को पहले जैसे ही चाहते हैं लेकिन शुरुआत नई तरह से करना चाहते हैं। और उनको अभी के लिए रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए क्यों वो सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास हो सकता है उनके पास ऑप्शन है या फिर नहीं है, या फिर वो थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं इसलिए हम बोल सकते हैं कि रिश्ते में नई शुरुआत तो वो करना चाहते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, लेकिन हो सकता है उनके पास ऑप्शन है। ऑप्शन मतलब ये नहीं कि हमेशा दूसरा कोई इंसान ही होगा, हो सकता है उनको जॉब के लिए बाहर जाना पड़ेगा या फिर किसी बिजनेस के लिए, किसी काम के लिए। तो इसीलिए उनको लगता है कि रिश्ते में नई शुरुआत तो होनी चाहिए, रिश्ते को नई तरह से शुरू करना चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए उनको लगता है कि वो अभी रुके हुए हैं, अभी वेट कर रहे हैं कि सही वक्त आए तब सही तरह से रिश्ते को शुरू किया जाए। फिलहाल के लिए अभी वो सोच रहे हैं कि थोड़ा रिश्ते से थोड़ी देर के लिए अपने आप को दूर रखा जाए, क्योंकि सही वक्त में सही डिसीजन वो लेना चाहते हैं। अभी देखते हैं आप खुद क्या चाहते हो। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आप खुद क्या चाहते हो, आपकी खुद की क्या एनर्जी रहेगी इन दिनों, आपकी खुद की क्या प्रेजेंट में आपकी खुद की क्या एनर्जी है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, डेथ, आपको लगता है आपके तरफ से रिश्ता खत्म हो गया है, ऐसा आपको लगता है, क्योंकि आपको लगता है किसी भी कारण से रिश्ता खत्म हो गया है या फिर हो गया था। हमेशा डेथ का मतलब ये नहीं कि कुछ बुराई होगा, डेथ का मतलब ये भी है जब भी किसी चीज़ की डेथ होती है तब नई बिगिनिंग भी तो होती है। तो आपको करंटली अभी जो आपकी एनर्जी है डेथ की एनर्जी है, आपको लगता है आपके तरफ से या फिर उनकी तरफ से रिश्ता खत्म हो गया है, यह आपकी
करंट एनर्जी है। अभी देखते हैं डेथ के कार्ड को, अगर हम क्लैरिफाई करें कि डेथ के कार्ड क्यों आया है तो देखेंगे डेथ के कार्ड के कारण भी देखेंगे आपको ऐसा क्यों लगता है, डेथ के कार्ड क्यों आया है। एस ऑफ सोर्ड्स, आप भी न्यू बिगिनिंग चाहते हो। नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आपके भी सेम एनर्जी है, आप भी रिश्ते में नई शुरुआत चाहते थे। पहले आपके तरफ से रिश्ते में प्यार का इजहार भी हुआ था, आप रिश्ते में प्यार भी देना चाहते थे, प्यार पाना भी चाहते थे, आपके पास रिश्तों की क्लैरिटी भी थी, लेकिन अचानक से कुछ कारण से रिश्ते से फिनेंशियल लॉस या फिर किसी कारण से कोई एक इस रिश्ते से बाहर चला गया है, जिसके कारण अभी आपको लगता है ये रिश्ता ख़त्म है। डेथ के कार्ड के साथ हम ये कह सकते हैं कि अभी आपको ये लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म है, वरना आप भी रिश्ते में नई शुरुआत चाहते थे, आपको भी रिश्ते में क्लैरिटी था, आप भी प्यार चाहते थे, आप भी चाहते थे जल्दी से कोई आपकी तरफ प्यार के संदेश लेके आए, या फिर आप अपना प्यार किसी के दो, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो गया, कोई एक इस रिश्ते से बाहर निकल गया, जिसके कारण आपको लगता है ये रिश्ता ख़त्म है, चाहे वो आप हो चाहे आपके पर्सन हो। तो किसी एक की बाहर निकल जाने से रिश्ते ख़त्म ऐसा आपको लग रहा है, ये आपकी करंट एनर्जी है। अभी देखते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। जस्टिस, आपके पर्सन जस्टिस चाहते हैं। हो सकता है उनको ये लगता है कि आपने उनके साथ नाइंसाफी की हो, इसीलिए आपके पर्सन जस्टिस चाहते हैं। अगर हम जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि वो जस्टिस क्यों चाहते हैं, क्यों उनको लगता है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, जो जेमिनाई की जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए हम ये कहेंगे कि आप हमें गाइड कीजिए, उनके पर्सन जस्टिस क्यों चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि उनको लगता है कि अभी जो वो है, जिस एनर्जी में है, वो अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, अपने लाइफ के बारे में सोच रहा है, जो कुछ सोच रहा है वो अपने भले के लिए सोच रहा है, और अचानक से ऐसा कुछ हो गया है इस रिश्ते में जिसके कारण वो सारी चीज़ों को वो एक दूसरी नज़र से देखना चाहते हैं, और वो ये भी चाहते हैं। देखते बॉटम ऑफ द डेक में मेहनत की कार्ड आया है, सेवन ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है, वो इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, वो खुद पर मेहनत करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अचानक से ऐसा कुछ हो जाए जिसका उम्मीद ना उन्हें था ना आपको था, ऐसा कुछ हो गया है, इसीलिए अभी उनको लगता है कि अभी जो है वो अपनी एनर्जी में है, अपनी पावर में है, अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं, और अगर वो हो भी गया है तो वो जस्टिस चाहते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि उनको लगता है इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होना चाहिए। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वो इसमें एक अमेजमेंट चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं अगर किसी की मदद से अगर रिश्ते को सही किया जाए तो भी वो चाहते हैं। कभी कभी उनको ये भी लगता है कि आप लोगों की रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन भी है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। मैंने पहले ही कहा है, जो बात जिसके साथ रेजोनेट करता है उसको अपने साथ रेजोनेट कीजिए, जो नहीं करता है वो छोड़ दीजिए, हो सकता है वो बात किसी और के साथ रेजोनेट कर जाए। हर किसी के लिए रिश्ते में थर्ड पार्टी नहीं है, किसी किसी के लिए रिश्ते में वो रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, इसमें किसी की मदद चाहते हैं, और किसी किसी के लिए रिश्ते में थर्ड पार्टी है जिसके कारण अचानक से कुछ ऐसा हो गया जिससे रिश्ते में थोड़ी गड़बड़ी आ गया है, इसीलिए वो अपने आप में चले गए हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं, वो अपने आप पर मेहनत करना चाहते हैं, रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं,
और चाहते हैं रिश्ते मेरी कॉन्सलेशन, इसीलिए वो जस्टिस चाहते हैं कि उन्होंने जितना मेहनत किया है इस रिश्ते में, जितना एफर्ट डाला है, उसके अनुसार उनको जस्टिस मिलना चाहिए। यही उनकी फिलहाल की उनकी ये चाहत है, वो यही चाहते हैं। अब देखते हैं जेमिनाई, आप खुद क्या चाहते हो। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आप खुद क्या चाहते हो। आप लोगों को अगर रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे काम करने के लिए हौसला मिलता है। देखते हैं जेमिनाई आप खुद क्या चाहते हो। जेमिनाई आप खुद क्या चाहते हो। फोर ऑफ बॉन्ड्स के कार्ड, जेमिनाई आप खुद भी रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, आप खुद भी शादी चाहते हो, आप चाहते हो दोबारा से रिश्ते में जान आए, आप परिवार चाहते हो, बच्चे चाहते हो, रिश्ता चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपके सोलमेट है। अभी देखते हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, आपको भी क्यों लगता है कि आपको भी क्यों यही चाहना है कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो, शादी हो, आप भी ये क्यों चाहते हो, क्यों फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग, पेज ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री के कार्ड्स यार बहुत आ रहे हैं आप लोगों की रीडिंग्स में। मुझे लगता है यहाँ थर्ड पार्टी की चांसेस तो है, बहुत है, क्योंकि उनका दिल टूटा हुआ था किसी और के कारण। एस ऑफ वॉन्ड्स वो रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं ये कह सकती हूँ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक नया स्टार्ट चाहते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद इस रिश्ते में आप पॉजिटिविटी देखना चाहते हो, आपने पॉजिटिविटी को महसूस किया है, इसीलिए आपने आपकी जो करंट की जो चाहत है वो फोर ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि आप भी इनके साथ रिश्ते में जाना चाहते हो, शादी चाहते हो, परिवार चाहते हो, बच्चे चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है फिर से नए से शुरू किया जा सकता है रिश्ते को। बहुत मेहनत के बाद कुछ नया करने की जोश आप में है, क्योंकि आपका भी दिल टूटा हुआ है किसी और के कारण। हो सकता है, हो भी सकता है, हर किसी के लिए नहीं, मैं बार बार ये बोलूँगी, थर्ड पार्टी के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर रीडिंग में थ्री आ रहा है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सारे थ्री के कार्ड आ रहे हैं, तो थर्ड पार्टी के चांसेस तो होना ही है। लेकिन आपको भी किसी कारण से दिल दुखा हुआ था, लेकिन अभी आप भी चाहते हो कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो, फिर से रिश्ता पुराना जैसा हो जाए, शादी को, अगर आप पहले से शादीशुदा हो तो आपकी शादी सही हो जाए, और अगर नहीं शादीशुदा हो तो शादी चाहते हो। बहुत मेहनत के बाद, एक बहुत कोशिश के बाद आप रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हो। अभी देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। जेमिनाई, इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस रिश्ते की आउटकम देखिए, टेन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, आपको अपना परिवार मिलेगा, बच्चा, घर, जो आप चाहते थे वो सारा कुछ मिलेगा। टेन ऑफ कप्स आप लोगों की विश फुलफिलमेंट होगी। देखते हैं टेन ऑफ कप्स क्यों आया है, क्यों आपको फोर ऑफ वॉन्ड्स फिर से आया है, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स। मुझे लग ही रहा था जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, कोई नया कपल नहीं है, किसी का एनर्जी इसमें आ रहा है, जो भी है ये पहले से ही शादीशुदा है, मुझे लगता है। अगर शादीशुदा नहीं भी है तो ये रिश्ता पुराना रिश्ता है, क्योंकि इस रिश्ते की आउटकम जो है फोर ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स। आप लोग दोनों ही परिवार चाहते हो, बच्चे चाहते हो, विश फुलफिलमेंट चाहते हो, रिश्ते में एक साथ आना चाहते हो, क्योंकि आप लोग कभी कभी नॉस्टैल्जिक हो जाते हो,
सिक्स ऑफ कप्स के साथ हम ये कह सकते हैं कि आप पुराने दिनों को याद करना चाहते हो, पुराने अच्छे दिनों को याद कर रहे हो, आप एक साथ आना चाहते हो, परिवार चाहते हो, लेकिन एक चीज़ आप दोनों को ही रोक रहा है, वो है आप लोगों का ईगो बैटल। आप दोनों ही ईगो क्लैश में चल रहे हो, आप सोच रहे हो पहले आप, वो सोच रहा है पहले वो आए फिर मैं बात करूँगा या करूँगी, आप सोच रहे हो पहले उसको आने दो फिर मैं बात करूँगी। तो इसी ईगो के कारण आप लोगों का जो रिश्ता है वो रुका हुआ है, वरना आप दोनों ही एक साथ आना चाहते हो, दोनों ही परिवार चाहते हो, दोनों ही फैमिली बच्चे सब चाहते हो, दोनों ही पुराने दिनों को याद कर रहे हो, दोनों ही दुखी हो अलग होके, लेकिन आप लोगों का जो ईगो है ये आप लोगों को रोक रहा है एक दूसरे के तरफ आने के लिए। लेकिन देखिए टेन ऑफ कप्स के साथ हम ये कह सकते हैं इस रिश्ते का आउटकम जो है विश फुलफिलमेंट है। तो इस रिश्ते की आउटकम विश फुलफिलमेंट इसलिए है कि आप दोनों ही एक साथ आना चाहते हो, लेकिन अगर आप ईगो को साइड कर दो तो जो आप चाहते हो सकता है। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स जी प्लीज़ गाइड कीजिए, जो ये रीडिंग देख रहे हैं जेमिनाई के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो क्या चाहते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, एस ऑफ पेंटिकल्स नई शुरुआत, किंग ऑफ कप्स द हार्मेट। जैसा मैंने पहले कहा कि आप लोगों का जो रिश्ता है ये पुराना रिश्ता है, हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, या फिर अगर शादीशुदा नहीं भी हो तो पुरानी जान पहचान की रिश्ते हैं, जिसका भी एनर्जी इसमें कैच कर रहा है ये कार्ड, तो ये रिश्ता पुराना है, इसीलिए आप लोगों का रिश्ता जो है रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, कहीं नहीं जाना चाहता है। लेकिन रिश्ते में नई शुरुआत अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत मेहनत के बाद, बहुत कोशिश के बाद अगर आप लोग इस रिश्ते में आना चाहते हो तो बेशक आइए, लेकिन अपना इमोशनल अगर आप छुपा रहे हो, इमोशन को अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए आपको अपना इमोशन को दिखाना पड़ेगा और अपने मन की बात बोलनी पड़ेगी, तभी जाके आपको जस्टिस मिलेगी, नहीं तो जहाँ के रिश्ता तहाँ ही रुका रहेगा, रिश्ता ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा ना कोई परिवर्तन होगा, ये सारा फीलिंग्स धरा के धरा ही रह जाएगा। तो आपको अपना इमोशन दिखाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी रिश्ते को लेके, और रुक के आगे जाके रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।